मैं नहीं मानती ममता जैसी जिम्मेदार लड़की बिना बताए चली जाए, ये तो मेरे समझ के बाहर है। जरूर कुछ हुआ होगा, जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। मुझे पता था मुझे सारा दोष मुझ पर ही साबित होगा। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्या दुश्मन हूं इस परिवार की? परिवार की नहीं पर मेरी तो हो ही। जा, क्रिश रो रहा है, जा। हाँ और सुन, ये ले, ये साड़ी तेरे लिए लाई। अब देख क्या रही है, जा, क्रिश रो रहा है। दादी माँ, एक दुविधा है दादी, फर्ज और सच के बीच भटक गया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं समझी नहीं। दादी माँ, आप ही ने सिखाया है कि जिंदगी में फर्ज से नहीं चूकते और सच जाने के बाद चुप नहीं रहते, है ना? बात तो गंभीर है, लेकिन तुझे क्या लगता है, तेरा दिल क्या कहता है, फर्ज का साथ दे या सच का? आप किसका साथ देती? सच का, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो फर्ज है ना, इसमें कभी कभी इंसान की मर्जी नहीं होती, फिर भी निभाना पड़ता है। अगर महाभारत में भीष्म ने फर्ज का नहीं सच का साथ दिया होता तो ना ही द्रौपदी वस्त्र होता और ना ही युद्ध। इसलिए दिल की आवाज सुनो। दादी माँ, थैंक यू। अगर थैंक यू कहना ही है तो सबसे पहले ममता को ढूंढकर घर वापस ले आ, उसके बगैर ये घर सुना और बेजान लगता है। कोशिश तो कर रहा हूं दादी, पर ममता का कोई पता नहीं चल रहा। पता चल जाएगा, मंदिर चला जा। ममता हर गुरुवार को मंदिर जाती है, पता है ना?